द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर सो वी आर राइटिंग रैंडम एरर ठीक है नाउ रैंडम एरर इज जनरली स्कैटरिंग ऑफ रीडिंग फ्रॉम द मीन वैल्यू राइट जो आपकी एक्ूरेट वैल्यू है कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होंगी और कुछ मयट वैल्यूज उससे कम होंगी सो दे इज अ फ्लक्चुएशन बिटवीन द वैल्यूज Okay. Yes, your values will be centered about your mean value, your actual value, but some values will be greater, but some values will be less than the true value. So, random errors in random error, measured values in random error, measured values. have varying magnitude varying magnitude and sign ठीक है uh, कुछ वैल्यूज मीन वैल्यू से ट्रू वैल्यू से ज्यादा होंगी कुछ का मैग्नीट्यूड और ज्यादा होगा और कुछ वैल्यूज कम होंगी एंड द मेन टाइप ऑफ सच एरर इज human reaction error so basically generally uh, this error is due to the person who's performing the experiment for example there's a pendulum which has a time period of 2.00 seconds okay this is the actual value of its time period right सो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि अगर आप एक स्टॉप वॉच से विदाउट रेफरेंस मार्कर अगर आप ऑसिशन का टाइम पीरियड मैयर कर लें तो आप टू सेकेंड या टू पॉइंट जीरो जीरो सेकेंड एवरी टाइम स्टॉप वॉच पे मैयर कर लें ठीक है ड्यूटी और रिएक्शन टाइम आप इस वाली वैल्यू को एक्जैक्टली exactly मैयर नहीं कर सकते ठीक है यस यू कैन इम्प्रूव यूर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यू कैन यूज लाइट गेट्स अलॉन्ग विद डेटा लॉगर लेकिन अगर आप मैनुअली इसके टाइम पीरियड को मैयर कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज मयर वैल्यूज जो होंगी वो टू के अबाउट फ्लक्चुएट करेंगी अगर आप टाइमर को मेन पोजीशन से आने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम रिकॉर्ड होगा लेकिन अगर पैंडोलम मेन पोजीशन को क्रॉस कर गया और आपने थोड़ा सा आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा है आपने देर से स्टॉप किया ही और वैल्यू विल बी अबेट मोर देन द ट्रू वैल्यू राइट सो लेट सपोज यू हैव दिस सेट ऑफ मयरड वैल्यूज So, your measured values are time period 1 is equal to 1.97 seconds, time period 2 is equal to 2.08 seconds, time period 3 is equal to 1.92 seconds, time period 4 is equal to 2.04 seconds. and time period 5 is equal to let's say 2.05 seconds ठीक है अब ये जो आपने values measure की हैं कुछ values जो हैं वो 2 से greater हैं और कुछ values जो हैं वो 2 से कम हैं let's find out के इन five readings का mean value से कितना difference है so first reading is less than uh, 2 तो आप कह सकते हैं there is an error of minus zero point जीरो थ्री सेकेंड और ये माइनस साइन शो कर रहा है कि आपकी जो मैट वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू से लेस स्केलर के साथ माइनस साइन लेस या मोर को शो करता है ठीक है साइन जो है माइनस साइन लेस को शो करेगा और पॉजिटिव साइन ग्रेटर वैल्यूज को शो करेगा नेक्स्ट रीडिंग में देखें शाबाश देरर ऑफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट सेकेंड द नेक्स्ट वन हैज एन एर ऑफ प्लस सॉरी माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट सेकेंड्स नेक्स्ट वन हैज एन एरर ऑफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड्स एंड द लास्ट वन हैज एन एरर ऑफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स ठीक है अगर आप देखें कि यहां पर आपकी वैल्यूज का मैग्नीट्यूड जीरो पॉइंट जीरो थ्री भी है जीरो पॉइंट जीरो भी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर सेम नहीं है ये वेरी कर है ठीक है और 0.05 भी है सो दिज वैल्यूज है साथ हैं और ये वाली दो वैल्यूज प्लस साइन के साथ है तीन वैल्यूज प्लस साइन के साथ दिस इज प्लस दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस सो यू कैन सी यू हैव वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड वेरिंग साइन सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर राइट अच्छा इफ यू हैव अ लुक एट द ग्राफ योर ग्राफ इज लाइक दिस दैट योर मीन वैल्यू इज टू सेकेंड्स सो टाइम एंड सेकेंड्स द मीन वैल्यू इज टू पॉइंट जीरो जीरो सेकेंड्स यहां पर नंबर ऑफ अकरेंसेज है रैंडम एरर में योर ग्राफ विल बी सेंटर्ड अबाउट द एक्चुअल वैल्यू राइट बट देर इज अटरिंग ऑफ वैल्यूज ठीक है ये वाली वैल्यूज जो है यह वेरी कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट नाइन टू सेकेंड टू टू पॉइंट जीरो एट सेकेंड यह आपकी एक ब्रैकेट बन रही है यह आपकी रेंज बन रही है और जितनी ये वाली रेंज जो है यह नैरो होगी इसका मतलब है आपने लेस रेंडम मेरर पर फॉर्म किया ठीक है नाउ राइट नोट दैट रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड एलिमिनेटेड नहीं कंप्लीटली फिनिश नहीं कर सकते एरर परसिस्ट करता है वैल्यूज में बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेटिंग एवरेज ठीक है अब जरा यहां पर देखें कि ये जो आपने वैल्यूज सारी की सारी नोट की हैं अगर इन वैल्यूज की इन टाइम पीरियड्स की आप एवरेज फाइंड आउट करें सो द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम इज कमिंग आउट टू बी 2.01 पॉइंट आपने एरर को कंप्लीटली मिनिमाइज कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया बिकॉज स्टिल देर इज एन एरर ऑफ जीरो हाँ हो सकता है कि अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और इंप्रूव हो यू गेट एन आंसर ऑफ जीरो 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 लेकिन इस केस में आपके पास जीरो पॉइंट जीरो का एरर स्टिल आ रहा है सो बेसिकली यू हैव मिनिमाइज योर एरर ठीक है जो आपके पास वैल्यू ऑफ एवरेज टाइम आ रही है दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल वैल्यू विचेस टू पॉइंट जीरोज लेने से आ, आपके अपने एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते राइट right? बिकॉज वो हर रीडिंग में persist कर रहे तो एवरेज में भी परसिस्ट करेगा सिस्टमैटिक एरर को इंप्रूव करने के लिए आपको अपने डिवाइस की करेक्शन करनी आपको जीरो एर को एलिमिनेट करना राइट सो दिस इज रैंडम एरर लेट्स एरर आप लिख रहे हैं शाबाश पैरालेक्स एरर फॉर मल्टीपल रीडिंग्स पैरालेक्स एरर फॉर मल्टीपल रीडिंग्स लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू लेट्स अज्यूम दैट यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब इट कैन बी अ ब्यूरेट इट कैन बी अ मेयरिंग सिलेंडर सो बेसिकली दिस इज द बॉडी ऑफ मेयरिंग सिलेंडर and this is the level of liquid inside the measuring cylinder ठीक है ये वाटर का लेवल है और ये इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है सो लेट्स अज्यूम के इसके अंदर जो इस वक्त वाटर प्रेजेंट है उसकी अमाउंट है 48 मिलीलीटर आप ये फोर्टी एट की वैल्यू एग्जैक्टली exactly तभी ठीक मैय कर सकते हैं कि अगर आपकी आईज की पोजीशन जो है वो मिनिस्टिस के साथ परपेंडिकुलर है फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ आई इज एट दिस पॉइंट ठीक है व्हाट इज द एंगल दैट योर आईज आर मेकिंग लिक्विड लेवल इन द कंटेनर दिस एंगल इज नाइंटी डिग्री सो इन दिस केस देर इज नो पैरालेक्स एरर ठीक है बट इफ अ पर्सन इज केयरलेस और उसकी आई की पोजीशन अगर ये है और वो यहां से मिनिस्कस को नोट कर रहे लिक्विड के लेवल को नोट कर रहे है, तो यहां से जो वो रीडिंग को नोट करेगा लेट सपोज दिस इज द स्केल ठीक है जो यहां से इस रीडिंग को नोट करेगा दैट रीडिंग वुड नॉट बी 48, एट राधर दिस रीडिंग इज कमिंग आउट टू बी 47 सेवन मिलीलीटर एंड इफ द पोजिशन ऑफ आई इज एट दिस पॉइंट और यहां से आप लीक्विड के लेवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मयट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फोर्टी एट एंड दिस इज समेयर अराउंडी मिलीलीटर राइट सो दिस टाइप ऑफ एर जिसमें आप कभी वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा नोट कर रहे हैं और कभी कम नोट कर रहे हैं दिस टाइप ऑफ एरर इज वॉन्स अगेन रिजल्टिंग इन रैंडम एरर राइट सो बेसिकली वॉट इज द मेन कॉज ऑफ रैंडम एरर बट जो मेन कॉज ऑफ रैंडम एरर इज दैट द पर्सन हु इज इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट नॉट विजिलेंट उसकी टेक्निक प्रॉपर नहीं है ही इज नॉट टेकिंग केयर ही इज नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा ही होता है कि अगर आप लैब में अपना एक्सपेरिमेंट केयरफुली परफॉर्म ना करें तो जो ग्राफ के ऊपर आपके सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं दे आर वेल स्कैटर्ड पॉइंट्स ठीक है Uh, our best fit line rocket to get rid of this scattering. Uh, it means that this is the best fit line. Na? So what happens is random errors, random errors result in.

अगर आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे हैं और आपकी ऑसलेन चल रही हैं यू आर नॉट वेरी मच कंसर्न के कब स्टार्ट हो रही है कब स्टॉप हो रही है बस रैंडमली कैजुअली टाइम नोट करें तो आपके पॉइंट्स स्कैटर्ड आते हैं आपको खुद रियलाइज हो या आपको टीचर रियलाइज कराए कि यार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इम्प्रूव करना है तो आप एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करते हैं आपके पॉइंट्स बेस्ट फिट लाइन के करीब तरीन हो जाते हैं तो आप कहते हो कि यार हाँ आई वॉज डूइंग सम मिस्टेक और अब मैंने वो मिस्टेक नहीं की तो मेरा जो रैंडम एरर है वो कम हो गया मिनिमाइज हो गया सो बेसिकली वॉट इज दिस बेस्ट फिट लाइन ग्राफ के ऊपर स्कैटर डाटा का एवरेज लेने के लिए आप लाइन ड्रॉ करते हैं सो बेसिकली ये आपके रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कर रही है एज वी नो दट रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज ग्राफ पे एवरेज लेने का तरीका क्या है टू ड्रॉ फिट लाइन सो बेस्ट फिट लाइन इज अ टेक्निक फॉर अ ग्राफ

Let's suppose that you have an object which has actual length of this object has actual length of let's say 5.00 centimeters. I ask four different students to measure the length and use their own techniques. Let's suppose the name of students are a B, c and d so these four participants are performing an experiment to find out the value of length of rod so first the data dekhe shabash. the data of first person is something like this 4.88 centimeters 4.92 centimeters 4.90 centimeters 4. 9 वन सेंटीमीटर्स एंड 4.89 पॉइंट ठीक है साथ ही साथ हम लास्ट लाइन में इसके डाटा की एवरेज भी लिखते जाएंगे तो द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज इज फोर पॉइंट नाइन जीरो सेंटीमीटर्स राइट सो द डाटा ऑप्टेन बाय द सेकेंड पर्सन इज समथिंग लाइक दिस फोर पॉइंट सेवन जीरो सेंटीमीटर्स फोर पॉइंट फाइव जीरो सेंटीमीटर्स 4.90 centimeters 4.85 centimeters and 4.55 centimeters okay or once again the average length the average value of this data is coming out to be 4.70 centimeters right so the data result obtained by student c is something like this 5.01 centimeters 4.98 centimeters 4.99 centimeters 5.02 centimeters and 5.00 centimeters the Th average value is coming out to be 5.00 centimeters and the data obtained by the last student is 4.80 पॉइंट एट जीरो सेंटीमीटर्स फाइव पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर्स फाइव पॉइंट सेंटीमीटर्स फाइव सेंटीमीटर्स एंड फाइव फोर पॉइंट नाइन जीरो सेंटीमीटर्स ठीक है इसकी भी आप कैलकुलेटर से एवरेज फाइंड आउट करें द एवरेज इज कमिंग आउट टू बी फाइव पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर्स अब हमने इसके डाटा को एनालाइज करना है और वी विल ट्राई टू फिगर आउट के इस पर्सन ने सिस्टमैटिक एरर परफॉर्म किया या रैंडम एरर परफॉर्म किया या दोनों हैं या कोई भी एरर नहीं प्रेजेंट सिमिलरली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर इन द रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट बी स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट सी डी ठीक है अच्छा अगर सिस्टमैटिक एरर प्रेजेंट है तो हम यहां पर टिक प्लेस कर देंगे अगर एरर प्रेजेंट नहीं है सो तो वी विल प्लेस अ क्रॉस। सिमिलरली, अगर रैंडम एरर प्रेजेंट है, सो तो वी विल प्लेस अच्छा अगर थोड़ा बहुत एरर मीन वैल्यू से 0.01 या या 0.03 का एरर है हम उस एरर को निगलेक्ट करेंगे बिकॉज हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज तो फाइंड आउट नहीं कर सकते थोड़ी बहुत तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आएगी बिकॉज प्रैक्टिकली वैल्यू में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी आती है राइट सो हैव अ लुक एट द मीन वैल्यू और मीन वैल्यू इज 5.00 सेंटीमीटर ठीक है आपकी जो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज है जरा इन रीडिंग्स पे गौर करें ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर ट्रू वैल्यू विच इज फाइव सेंटीमीटर्स तो जो मैक्सिमम वैल्यू है सेंटीमीटर्स ये भी फाइव पॉइंट जीरो से कम है और जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे कम है सो वी कैन सी दैट ऑल द रीडिंग आर एट वन साइड फ्रॉम द मेन पोजिशन सारी की सारी वैल्यूज मेन पोजिशन से कम है तो कौन सा एरर प्रेजेंट है सिस्टमेटिक एरर इज देयर एंड वॉट अबाउट रैंडम एरर इज योर डाटा वेरी मच स्कैटर्ड आपकी जो मीन वैल्यू है that is centimeters. इस मीन वैल्यू के रेफरेंस से देखें कि आपके डाटा में कितने डिफरेंशिएशन कितना डिफरेंस है और कितनी फ्लक्चुएशन है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वैल्यू हैज अ डिफरेंस ऑफ माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू नेक्स्ट वैल्यू का डिफरेंस है जीरो पॉइंट जीरो टू

मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग इन स्टूडेंट बी इज फोर पॉइंट नाइन जीरो एंड द मिनिम वैल्यू इज फोर पॉइंट फाइव जीरो आपके पास जो ब्रैकेट फॉर्म हो रही है वो फोर से फोर पॉइंट नाइन की है ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर वनस अगेन लेस देन द ट्रू वैल्यू जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है सारी रीडिंग जो है आपकी एक्यूरेट वैल्यू से कम है ठीक है तो कौन सा एरर प्रेजेंट है Yes, systematic error is there because all of your readings are one-sided from the mean value from the true value, which is 5.00. Or scattering the king. Scattering keliab values ko with their mean values. Right? So if you have a look at the scattering, first value has a reading of has a difference of zero, the next has a difference of 0 0.2 centimeters, which is a significant difference. क्स्ट वन हैज्सो डिफरेंस ऑफ जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर्स तो इस लार्ज डिफरेंस की वजह से आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज है सो दीज आर दर्स रिजल्ट एरर एज वेल एज रेंडम एरर दोनों एरर इस हैज वैल्यूज ऑफ फाइव पॉइंट जीरो कुछ रीडिंग फर्स्ट वन इज ग्रेटर जीरो जीरो दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन फाइव पॉइंट जीरो जीरो बट यू ऑल्सो है ट्रू वैल्यू ठीक है सो बोथ साइडेड रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब है कौन सा एरर प्रेजेंट नहीं है देर इज नो सिस्टमैटिक एरर प्रेजेंट प्रेजेंटर एंड द डिफरेंस ऑफ योर वैल्यूज फ्रॉम द मीन वैल्यू इज वेरी स्मॉल दैट्स वाई देर इज नो रैंडम एरर सो बेसिकली दिस इज द स्टूडेंट विच हैज प्रोड्यूस बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपका सिस्टमैटिक एरर भी नहीं है और रैंडम एरर भी नहीं है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन डी को जरा देखे चावज सो द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट डी आर ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू लाइक दिस 5.20 इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू 5.10 इज आल्सो ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू एंड देयर आर सम वैल्यूज विच आर लेस देन द ट्रू वैल्यू लाइक 4.8 4.9 दीस आर द लेस देन टू वैल्यूज ठीक है तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर भी आ रही है और एक्चुअल वैल्यू से स्मॉलर भी आ रही हैं तो कौन सा एरर प्रेजेंट नहीं है सिस्टमैटिक एरर इज नॉट देर बट व्हाट अबाउट रैंडम एरर अगर आपकी सेट ऑफ रीडिंग्स की रेंज नैरो रैंडम एरर नहीं है बट यू कैन सी के फोर पॉइंट एट से फाइव पॉइंट टू ये जो रेंज बन रही है दिस रेंज इज जीरो पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड दिस इज अ वाइड रेंज

काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है और यहां से आपका ये पॉइंट दोबारा से प्रूव हो रहा है कि एवरेजिंग से रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज काफी हद तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस केस में तो आपने एलिमिनेट ही कर दिया रैंडम एरर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी डिटेल में देख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को कवर अप भी करेंगे Along with accuracy and precision. For that, stay tuned with Slate. Thank you.